नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप गूगल एडसेंस जो है आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आना है और यहाँ पर जो है अपने अकाउंट को जो है साइन इन जो है कर लेना है। तो मैं इसको जो है साइन इन कर लेती हूँ। साइन इन करने के बाद यहाँ पर जो है आपको अपना जो है पासवर्ड डालकर और अपनी ईमेल आईडी डाल के जो है नेक्स्ट जो है कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो गूगल एडसेंस का जो है मेन पेज जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन का, क्योंकि ये जो है इसी से जो है आपकी जो है अर्निंग होनी स्टार्ट होगी। ये नहीं आएगा तो पेमेंट जो भी आप यूट्यूब पर कमाएंगे वो जो है होल्ड कर दी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है योर यूट्यूब पेमेंट आर होल्ड और यू हैव अकाउंट इश्यूज टू फिक्स। ठीक है, अगर आप आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है सारी होल्ड कर दी जाएगी, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा यूट्यूब पर जो है वीडियो बनाकर, कुछ भी आपको एक रुपये की भी अर्निंग नहीं होगी। तो कैसे आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन करते हैं वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरा नाम है आंचल और मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है। इससे पहले मेरा एक चैनल था यूट्यूब जो कि टर्मिनेट हो गया और ये चैनल मैंने आपको कुछ नया सिखाने के लिए ही बनाया है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कैसे आपको आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन करना है। तो इसके लिए आपको इस 3 डॉट पे जो है क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ये आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा और इस पेमेंट के ऑप्शन में जस्ट नीचे एक ऑप्शन आएगा वेरिफिकेशन चेक का, आपको यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर टिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके भी दिखा देती हूँ। देखिए ये आ गया, इसमें लिख रहा है नीड्स अटेंशन योर पेमेंट आर ऑन होल्ड यू नीड टू योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट और एड्स विल स्टॉप 22 नवंबर 2023। यानी कि ये जो है ये जो आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है ये 22 नवंबर के आने के जो डेट आएगी उसके बाद जो है बंद हो जाएगा। इससे पहले ही जो है आप इसको कर लीजिए, ऐसे ही आप की में जो है डेट आएगी आप जब से भी स्टार्ट करना चाहेंगे। चलिए अब जो है कैसे आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन करें, तो इसके लिए इसके जस्ट आगे जो लिख रहा है टैग एक्शन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो थोड़ा सा इस जो है जूम होने में टाइम लेगा और यहाँ पर जो है आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेरीफाई नाउ का, ये जो जस्ट आपको दिखाई दे रहा है मैं दिखा देती हूँ इसको। देखो ये वाला आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा वेरीफाई नाउ पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक जो है न्यू पेज जो है आपके सामने जो है ओपन होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप जो है आईडी वेरिफिकेशन किसी भी से कर सकते हो, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो। याद रखना कभी भी आधार कार्ड से जो है आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन मत करना वरना आपका आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक आईडी से आप कर सकते हो। तो मैं अब यहाँ जो है नीचे वाले ऑप्शन यानी कि स्टार्ट वेरिफिकेशन पर जो है क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो है पूछेगा आपका क्या लीगल नेम है या आप कौन सी आईडी जो है डालना चाहते हैं। तो पहले जिस जो भी आपका लीगल नेम है वो आप यहाँ पे जो है लिख देना। ठीक है, जिससे भी पैन कार्ड बना हुआ हो, जिससे भी आपने गूगल एडसेंस बनाया हो, वो करने के बाद यहाँ पे जो है आईडी जो है टाइप कर देनी है कि कौन सी आईडी जो है आप लगाना चाहते हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, क्या लगाना चाहते हो। तो मैं जो है पैन कार्ड लगाना चाहती हूँ तो मैंने पैन कार्ड जो है सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है ये 2 ऑप्शंस आएंगे। देखिए इसमें साफ साफ लिख रहा है आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, आधार कार्ड भूलकर भी मत लगा देना वरना आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैंने पैन कार्ड लगा दिया है। अब यहाँ पर जो है आपको जो फ्रंट में जो पासपोर्ट की आईडी है वो जो है यहाँ से लेनी ही है। फिर जो है अब इसे करने के बाद सीधा जो है आपको नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर देना है। ठीक है, एक बार और मैं जो है यहाँ से बैक आईडी ले लेती हूँ। पापी के सामने ये ले लिया बैक आईडी और करने के बाद थोड़ा सा देखिए हो गया। बस यहाँ गोट इट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है दे देगा कि अब आपका जो है देखो इन्होंने दे दिया कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है प्रोग्रेस में, अब आपको जो है थोड़े दिन का जो है बस वेट करना है, आपका जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ये देखिए 24 आवर्स बाद ही यानी कि 24 घंटे बाद ही मुझे जो है यूट्यूब की तरफ से ही मेल आता है कि गूगल एडसेंस आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यानी कि मेरा जो वेरिफिकेशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो सक्सेसफुल हो गया है। और ये गूगल एडसेंस पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी लिख रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कम्प्लीटेड। तो आप भी जो है इस तरह से जो मैंने बताया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका भी गूगल एडसेंस आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कर सकते हो।
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, न्यू भी आना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक।